पूरा इस वक्त टाइगर का ही इलाका है जिसमें हम इस वक्त चल रहे हैं। ये जो है रास्ता है खंडार बस स्टैंड है, यहाँ से जो है वो सोलेश्वर महादेव का रास्ता, इधर से हम निकल रहे हैं और अब जंगलों के बीच से ही गुजरना पड़ेगा लगातार। ये जगह है जीराव जी की बावड़ी। देखिए जब आप सोलेश्वर महादेव आते हैं तो जो पहला स्टॉपेज आता है वो जीराव जी की बावड़ी आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मंदिर भी है और ये है बावड़ी। इस रास्ते से, इधर वाले रास्ते से हम निकलेंगे। जीराव जी की बावड़ी से रवाना है इधर सोलेश्वर की तरफ। बरवाड़ा से सभी दोस्त सोलेश्वर महादेव की जो यात्रा है वो कर रहे हैं पैदल यात्रा, लगभग और 6 या 7 किलोमीटर पड़ती है यहाँ से खंडार बस स्टैंड से। हाँ जी, खंडार बस स्टैंड से, खंडार बस स्टैंड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। और जब भी स्टैंड से 9 किलोमीटर, चलिए 9 मान लेते हैं, 9, 10, 8, 10 जो भी है। और जब भी आप सोलेश्वर महादेव जाते हैं तो रास्ते में आपको जगह जगह पर इस प्रकार से बहता हुआ पानी हर जगह दिखेगा। जो अभी जीवराव जी की बावड़ी हमने छोड़ी है, उसके बाद में धीरे धीरे जंगली इलाका अब शुरू होगा। और अगर किस्मत अच्छी हुई, जो नंबर 6 बता रहे हैं, और अगर किस्मत अच्छी हुई थोड़ा सा, तो टाइगर वगैरह भी दिख सकता है। देखिए आगे जो है वो अब सोलेश्वर महादेव का जो रास्ता है, डेंजर रास्ता जिसे कहते हैं, वो चालू हो चुका है। और पहला गेट नज़र आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको सामने से, ये आप देख सकते हैं पहला दरवाज़ा नज़र आने लगा है। यह पहला दरवाज़ा है, देखिए आप कितना खतरनाक रास्ता सोलेश्वर महादेव का। तो सब एक एक थोड़ा सा पैक ले लेते हैं, जरा सा ग्लूकोज का, ताकि ऊर्जा बनी रहे, पसीने से वैसे हालत ख़राब हो रही है। 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर अभी जो है हम खंडार जो बस स्टैंड था वहाँ से चल चुके हैं, और अब थोड़े से दुर्गम रास्ते शुरू हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर हैं। और यहाँ से जो है कैंटर वगैरह यहीं से गुजरते हैं ना, इससे कैसे गुजरते हैं जिप्सियाँ वगैरह, जो नंबर 6 है उसकी जो कैंटर है उसकी एंट्री यहीं से की जाती है। रास्ता भी है यहाँ पर देख सकते हैं आप इधर, तो पूरा इस वक्त टाइगर का ही इलाका है जिसमें हम इस वक्त चल रहे हैं। बस किस्मत अगर हुई बढ़िया तो टाइगर दिख सकता है, वरना सोलेश्वर महादेव जी के दर्शन तो होंगे ही सही। तो ये आप देख सकते हैं सोलेश्वर महादेव का पूरा व्यू। इस वक्त बादल छाए हुए हैं, बरसात कब हो जाए पता नहीं है, लेकिन अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब इधर देख सकते हैं, इधर से जो है वो पानी का झरना आ रहा है, और काफ़ी स्वच्छ और निर्मल पानी, जिसे हम साफ पानी कह सकते हैं, मिनरल्स से भरपूर ये पानी है। और सामने एक बालाजी का मंदिर भी है यहाँ पर, ये देखिए आप इस जगह पर सोलेश्वर लिखा हुआ है, सामने वहाँ मंदिर भी है, और उसके बाद में इस रास्ते पर जाना है सोलेश्वर महादेव के लिए। रास्ते में जो है कुछ यात्रीगण विश्राम कर रहे हैं, और अब थोड़ा सा दोनों तरफ ही पेड़ हैं, वो इलाका शुरू हो चुका है। आप काफ़ी लोग यहाँ से इस वक्त सोलेश्वर महादेव के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि रास्ते में हमें बहुत सारे आदमी मिले हैं, अभी आगे फिर आ रहे हैं ग्रुप में। यहाँ पर ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़िया है, सिंगल नहीं आए, कोशिश ये करें। बरसात के मौसम में इतना ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में टाइगर को पानी पीने के लिए जगह जगह पर जो है वो खड्डे वगैरह मिल जाते हैं, पानी के साधन मिल जाते हैं। लेकिन बाकी समय अगर आप सर्दी के मौसम में आते हैं और ग्रुप में नहीं आते हैं, तो खतरा हमेशा हो सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सिर्फ 2 दिन के लिए ये पैदल यात्रा होती है जंगल के अंदर से, अच्छा, बाकी अदर डे जो है बंद रहता है। देख सकते हैं ये जगह यहाँ पर, और एक पुलिया सी बनी हुई है। देखिए अगर सोलेश्वर आते हैं तो इधर सामने नहीं जाना है, यहाँ से इस पुलिया के यहाँ से इधर मुड़ जाना है बाईं तरफ, क्योंकि उधर अलग जोन है और सोलेश्वर का रास्ता ये वाला है। देखिए जब भी सोलेश्वर आए तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जूते जो आप पहन के आ रहे हैं ना, वो थोड़े से इस प्रकार के गिट्टी वाले, क्योंकि यहाँ पर स्लिप हो जाने का खतरा रहता है। और चप्पल पहन के बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर। बहता हुआ पानी मिल गया है तो सभी वहाँ पर रुक गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में आगे का रास्ता तय करेंगे। और खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ का भी हम थोड़ा सा एक फुटेज ले लेते हैं। मनोरम हर जगह मनोहारी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। इस वक्त खाना खा रहे हैं सभी, बंसीलाल जी का पेट अभी तक भरा नहीं है, इतने डर का हुए। तो देखिए अभी हमने खाया है खाना, और आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद में जो है सभी ने खाना खा लिया है। आगे इसके पुलिया है, वहां से थोड़ी सी आगे पर ये जगह है, पानी इतना साफ नहीं है, तो पानी किसी ने भी नहीं पिया, सिर्फ खाना ही खाया है। और इससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, यहाँ पर जो पुलिया है वहाँ पर एक नीचे टाइगर बैठा हुआ था, उसके बाद में कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है फोटो वगैरह भी ली थी।
काफ़ी ज़्यादा वो फोटो वायरल हुई थी। अभी इधर की तरफ से जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर एक झरना है, नहाने का प्लान हमारा वहीं पर है। तो जब भी आप सोलेश्वर आए यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर पानी तेज बहता हुआ मिले तो ही आप यहाँ पर रुककर पानी पिए, वरना मेरी राय आपको यही है कि आप आगे झरने में जाएं या किसी और जगह से जहाँ से पहाड़ों में से झरना आ रहा है वहाँ से आप पानी पी लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं सोलेश्वर महादेव के, वैसे वैसे हमें रास्ते में मिलने वाले यात्री बढ़ते जा रहे हैं। ये खाना खाने के बाद जैसे बाहर निकले हैं और यहाँ पर बहुत ही शानदार हमें पानी मिल गया, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पानी आ रहा है। और देखिए यहाँ पर बंसीलाल जी एक बार सेकेंड राउंड देख सकते हैं आप पीछे मेरे, ये पानी लगातार पहाड़ों से आ रहा है और इसी में होकर जाना पड़ रहा है। देखिए जैसे जैसे जो है हम आगे जाते जा रहे हैं रास्ते में आने वाला पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए आप, और थोड़ा गहरा भी है। कितना गहरा भाई यहाँ पर पानी, देखिए आप सब सारे दोस्त सामने पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखिए पानी लगभग हमारे घुटनों के आसपास पानी है, इसमें लगभग 2 फीट का पानी है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे 2018 में तब हमारी लगभग आप ये मान के सर कमर के आसपास पानी चल रहा था। ऊपर से निकलना पड़ा होगा आपको जी? नहीं, हम तो पानी में एंजॉय करते हुए निकले थे और कुछ ऊपर से भी निकल रहे थे पगडंडी द्वारा। बताया मैंने आपको पुलिया के बाद में जो है वो ये शुरू हो चुका है और अभी लगातार चलता ही जा रहा है। दर्शनार्थी जो है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। ये देखिए आप, पानी सोलेश्वर से जा रहा है। रास्ते में हम रुके हुए हैं कहीं पर, पानी यहाँ पर काफी बह रहा है तो थोड़ा सा नहा लेते हैं, सभी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं। सोलेश्वर जाने वाले सब महादेव भक्तों का हम संत द्वारा अभिनंदन करेंगे। जो पानी आप देख रहे थे ना इधर से, वो इधर जा रहा है और एक्चुअली में वो यहाँ से आ रहा है, ये पहाड़ों से आ रहा है। और पिछली बार तेजराज जी आए थे तो बता रहे हैं कि पुलिया नहीं थी यहाँ पर, तो इस पानी में होके उनको गुजरना पड़ रहा था। पुलिया और आई है अभी, और यहाँ से पानी, फिर इधर से पानी, फिर पीछे से पानी, ये सारी पुलिया इसी साल बनी है। ठीक है, तो ये तभी जा रहे हैं और हमारे यहाँ पर सभी जो है दोस्त वो रुक गए हैं पानी पीने के लिए। ला मुझे भी दे देना वहाँ से कि पानी कहीं से आ रहा हो। जूम कर लेता हूँ मैं, एक बार दिखाता हूँ आपको। आज एक पेड़ है उसकी जड़ में से ये पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। जो पानी इस वक्त मैं पी रहा हूँ ना, इसका जो स्वाद है वो मिनरल वाटर जो हमारा आर होता है ना वैसा ही है। तो ये मिनरल से भरपूर पानी आप यहाँ पी सकते हैं और इस प्रकार की स्थिति में आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति भी करेगा। क्योंकि जितना भी रास्ता हमने तय किया था वो मैदान इलाका था, प्लेन था, और अब चढ़ाई जो है वो चालू हो चुकी है और सबने पेट भर के पानी पिया है और इसी वजह से चलने में थोड़ी परेशानी आना शुरू हो चुकी है। अजीब तरह की शांति है इस जगह, काफ़ी चढ़ाई आ चुकी है। पहाड़ी को चढ़ते समय जिस भी प्रकार की परेशानी सामने आनी चाहिए वो सारी हमारे सामने इस वक्त आ रही है। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, साथ में पानी भी ज़्यादा पी लिया और यहीं पर हालत ख़राब हो चुकी है सभी की थकान की वजह से। जब तक हम भूखे फेट थे कोई परेशानी नहीं आ रही थी, चढ़ाई अब बढ़ती जा रही है। चलो चलो चलो, अभी भी काफी दूर है महादेव मंदिर। कितना दुर्गम ये रास्ता जिसमें से नंगे पैर यहाँ पर, अच्छा चप्पल ही टूट गई है, तो मैं बार बार वीडियो में बोलता भी आ रहा हूँ कि चप्पल पहन के तो बिल्कुल भी नहीं आए। रास्तों की दुर्गमता कम नहीं हो रही है, लगातार जा रही है, हालत ख़राब है इस वक्त थकान की वजह से। झरना गिर रहा है जहाँ पर काफ़ी लोग नहा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। देखिए आखिरकार जो है आधे रास्ते ज़्यादा पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब एक किलोमीटर दूर जो है वो सोलेश्वर महादेव का मंदिर है। उठते ही इन्होंने जगह रोक ली मेरी। थकान महसूस हो रही थोड़ी बहुत। कितना जो अभी आए हो क्या आप? हाँ नहीं जाके आ गया ना। जाके आ गए। इधर से रास्ता जो जाता है तो आप सिटी के वाला रास्ता है खंडार जो बस स्टैंड की तरफ है, और ये वाला जो रास्ता देख पा रहे हैं ये बोदल की तरफ से आता है। ये 4 किलोमीटर दूर यहाँ से देख सकते हैं आप जो है, इस रास्ते से भी आ सकते हैं लेकिन वो बोदल की तरफ से है और ये सीधा सिटी की तरफ जाएगा। तो जो बोदल वाला रास्ता है उस पर बता रहे हैं कि आगे जाके एक पहाड़ी भी है जिसपे से एक झरना उतरना पड़ता है। और अब देखिए धीरे धीरे आने वाले ज़्यादा हैं जाने वाले कम हैं। अभी लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है। थोड़ी थकान दूर कर रहे हैं छाया में बैठ कर। कहाँ से आप? ये टोंक से आए हैं। देखिए खतरनाक चढ़ाई के बाद अब थोड़ी सी जो है उतराई शुरू हुई है। और देखिए मुझे यहाँ पे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया है बल्लू। क्या जान है, बहुत दिनों बाद में लगभग 7-8 साल बाद मिलेंगे हैं, और बहुत दिनों बाद में बल्लू मुझे मिला है। यात्री है यहाँ पे टाइगर की सुविधा है। डोली शंभुनाथ रे और शंकर नाथ रे। देख कितना मनोरम नजारा, एक छोटा सा बच्चा पैदल आ रहा है। शाबाश। जाइए पूरा रास्ता पैदल तय, थोड़ा बहुत गोदी में लेना पड़ेगा। कितनी उम्र है? देखिए 2 साल का बच्चा यहाँ पर सोलेश्वर जी के दर्शन इस वक्त करके आ रहा है। आप देख सकते हैं एक विहंगम दृश्य रणथंभौर का, जहाँ से लगभग काफ़ी ऊंचा पहाड़। क्या अभी दूर है ना थोड़ा सा? देखिए झरना वहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको आगे जाकर, थोड़ा सा इधर से निकल जाऊँगा। हाँ इधर आओ। देखिए रणथंभौर के जंगल, जिनकी वजह से रणथंभौर जाना जाता है। नीचे सोलेश्वर महादेव नीचे ही क्या? देखिए नीचे वहाँ पर सोलेश्वर महादेव है, झरना ऊपर से गिर रहा है। और ये देख सकते हैं आप जंगल पूरा रणथंभौर का। वहाँ सामने आप देख सकते हैं सोलेश्वर महादेव उस जगह पर। जो लंबी थकान थी उसका अंत होने वाला है और सोलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने वाले हैं। शंकर भगवान की जय हो। साल भर में कितनी बार खुलता है ये? 2 बार ही खुलता बताया, एक ही बार खुलता है? हाँ ये एक ही बार। भंडारा चल रहा है वहाँ पर। देखिए आप सोलेश्वर महादेव का दिलकश नजारा। ये मातेश्वरी का मंदिर देखिए आप यहाँ पर, और ये जो मंदिर है ये सोलेश्वर महादेव जी के थोड़ा सा आगे। हमने प्लान बनाया कि गणेश जी तक सफ़र तय करेंगे। ये जो निकलेगा रास्ता, ये जो 2 गेट आते हैं वहाँ पर निकलने की संभावना है।
कि यह रास्ता थोड़ा सा दुर्गम ज़्यादा है अपेक्षाकृत उस रास्ते के। सोलेश्वर में 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर ही डेंजर जोन है, लेकिन यहाँ पर लगातार हर कदम पर खतरा मौजूद है। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर बंसीलाल जी और अरुण जी, बंसीलाल जी ने मेरा बैग ढूंढने में मेरी बहुत हेल्प की है, जितना भी धन्यवाद दिया जाए उन्हें कम है इस चीज़ के लिए। और साथ में अरुण जी से मैं मिला देता हूँ आपको, जिन्होंने मेरा बैग लेकर आए हैं। ये हैं अरुण जी। टाइगर एक दो बार यहाँ पर दिख चुका है, जो अरुण जी हैं इनको देखा था 3 साल पहले इसी जगह से थोड़ा सा आगे, ये बता रहे हैं जब ये सोलेश्वर महादेव आए थे। ये हमें बोल भी रहे हैं कि जो है आपको डंडे वगैरह लेने नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा सा ग्रुप है हमारे साथ में, तो वो थोड़ा फ़ायदा है, तो वो थोड़ा सा एक अच्छी बात है। और दूसरी स्थिति यह है कि यह मौसम जो बरसात लगातार हो रही है ना, बरसात में पानी हो रहा है, तो टाइगर क्या है कि पानी की वजह से और शिकार की वजह से बाहर निकलता है। इधर वो जब भी आता है जब उसको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो ऐसी स्थिति है नहीं, तो चांसेस कम हैं, लेकिन अगर किस्मत अच्छी हो तो मिल भी सकता है। कैंटर भी इन रास्तों से गुजरते हैं यहाँ पर, देखिए आप लाइन में लगातार हम चल रहे हैं। सामने का जो नज़ारा है उसको देख कर ही डर लग रहा है, मान लीजिए आप देखिए अभी थोड़ा सा हमें सामने से कुछ भागता हुआ नज़र आया है, कंफर्म नहीं है हिरण का बच्चा है या टाइगर का, इधर की तरफ गया है यहीं से, अभी देखते हैं। थोड़ा सुनो यहाँ पर ध्यान से रखो, देखिए उधर बंदर की आवाज़ आ रही है, और बंदर की आवाज़ जब भी आए ऐसा खतरा रहता है कि टाइगर हो सकता है। देखिए देखिए यहाँ पर अभी बंदर की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा चांसेज है कि जो हमें दिखा था वो टाइगर हो सकता है। जिस प्रकार से बंदर उधर बोल रहे थे और पक्षियों की आवाज़ आई, उससे लगा कि वो शायद टाइगर का ही बच्चा था, लेकिन जिस जगह पर वो गया वो 50 से लेकर 60 मीटर दूर ही झाड़ियों में उजल हो गया, लेकिन अब हमारी तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि हम वहाँ जाके देख सकें। और घास में भी खतरा हमेशा बना रहता है टाइगर का, बड़ी बड़ी घास है, सबसे डेंजर जोन यही है जिसमें इस वक्त हम चल रहे हैं। जब भी आप इन प्रकार के रास्तों में आए कभी भी, ये मेरा तो नहीं है, डिस्कवरी चैनल देख कर ही बता रहा हूँ कि टाइगर अगर सामने साथ आए तो कभी भी पीठ नहीं घुमाएं, ये बात ध्यान रखें हमेशा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने टाइगर को पीठ दिखा दी तो वो आपको 100% पकड़ लेगा, आप कभी भी टाइगर से तेज नहीं भाग सकते हैं। अगर डंडा हो आपके पास में तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमने काफ़ी मोटा डंडा ले लिया है। इधर सोलेश्वर और इधर गणेश जी हैं। इसको टाइगर की चॉकलेट बोली जाती है, टाइगर का फेवरेट है, मतलब ये है ना टाइगर का फेवरेट है, जैसे बच्चों को चॉकलेट पसंद है। हाँ हाँ, टाइगर को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। देखिए सामने से एक बार फिर चीतल निकले हैं, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी दिखा था तो सब यहाँ पर एक बार लेट गए हैं, नहा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ नहाने के बाद में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। Thank you.
इधर से सोलेश्वर महादेव के यहाँ से इधर से आए थे हम, सबसे जो जंगली इलाका है रणथंभौर का वहाँ पर। अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय किया है, नहाए हैं। इधर से ये पानी आ रहा है, सामने आप देख सकते हैं पहाड़, और बंसीलाल जी एक बार फिर से पानी में घुस गए। ठीक है, तो अब यहाँ से नहाने धोने के बाद में अब वापस रवानगी है। अभी भी कितना पड़ेगा यहाँ से? 3 किलोमीटर। अभी लगभग तेजराज जी बता रहे हैं 3 किलोमीटर और भी है दूर, खतरनाक जोन अभी भी चल रहा है, डेंजर जोन अभी भी चल रहा है ना। मिनरल वाटर मिलता है यहाँ पर, बिल्कुल मिनरल वाटर तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक पानी है, और पानी का स्वाद इतना शानदार है कि आप ना भी पी लें मन भरता ही नहीं। खतरा यह है कि यहाँ पर घास धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो घास जब बड़ी हो जाती है ना तो खतरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। रणथंभौर में जो जंगल है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, और जब ये पतझड़ का मौसम होता है तो पूरी पत्तियां इनकी झड़ जाती है गर्मी के मौसम में, उसके बाद में बरसात में ये फिर से हरा हो जाता है। दूसरी बार जो है हमें पानी मिला है, और तेजराज जी तो पानी में बैठ गए हैं। देखिए सबसे डेंजर जगह रणथंभौर की, जो नंबर 4 और 3 के बीच ये जगह है। देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, सांभर इस वक्त यहाँ पर दिखाया है। देखिए ये जो है यहाँ पर डाला हुआ है जोन 4 है, और इस वक्त जो है वो जोन 4 से गुजर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक मतलब मौका हमें मिला है। कितने बज रहे हैं इस वक्त? जोन नंबर 4 में ये दूसरी बार जो है हमें पानी का सामना करना पड़ा है। गणेश जी का मंदिर यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है। देखिए सामने वहाँ जो है हमें इस वक्त किला दिखाई देना शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा दूर नहीं है गणेश मंदिर। बरसात अगर होती ना तो जरूर ये पानी निकाल जो है इस क्रॉस करने में परेशानी आती। देखिए यहाँ पर कंपाउंड नंबर 13 जोन 3 लग गया सर। चलिए क्रॉस कर लेते हैं। देखिए बहुत ही शानदार ये पानी यहाँ पर इस वक्त मिला है, और ऊपर से आ रहा है बिल्कुल बहता हुआ, बिल्कुल क्लीन पानी, और ठंडा हुआ थे। और यार ये तो बहुत ठंडा पानी है, जैसे ही मैंने इसमें पाँव रखा है मुझे इसकी ठंडक का एहसास हो गया है। केकड़ा इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। लगभग इस वक्त 6 बज चुके होंगे। एक अलग तरह का एंजॉय जो है वो हुआ है आज। एक बार फिर से चढ़ाई आ चुकी है, लेकिन ये चढ़ाई हमें सीधी मंदिर तक पहुंचा देगी। रणथंभौर का जो मंदिर है गणेश जी का मंदिर थोड़ा सा दूर है, लेकिन थकान की वजह से, क्योंकि लगभग आज पूरे दिन में 15 किलोमीटर चल दिए होंगे लगभग, है ना, 15 से भी अधिक किलोमीटर पैदल और पहाड़ी इलाकों में यात्रा की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और जैसे चढ़ाई जाइए एक बार फिर से आप मेरी आवाज़ में महसूस कर सकते हैं थकान। पर धन्यवाद अरुण जी को जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ पर चलना भी संभव नहीं है। देखिए किस स्थिति में अरुण जी चल रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मुड़ना पड़ेगा अभी, देखते हैं क्या आया है। बंसीलाल जी है, अच्छा बावड़ी है, अच्छा इधर एक बावड़ी है। खेमस्या कुंड है, खेमस्या कुंड ये आप देख सकते हैं, ये है खेमसे बावड़ी रणथंभौर में जो स्थित है। और जगदीश जी बता रहे हैं गर्मी के मौसम में कभी कभी यहाँ पर टाइगर भी आते हैं पानी पीने के लिए, तो अगर आप गर्मी के मौसम में आते हैं और लक्की हैं तो ऊपर से भी आप जो है वो टाइगर को देख सकते हैं वहाँ से। बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी जो आ रहा है पहाड़ों में से, चलिए लेकिन हम उसको इधर नहीं जाना है, हमें इधर जाना है। और आखिरकार 14 से 16 हुए हैं, रास्ता क्यों नहीं है यार। देखिए थोड़ा रास्ता ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, फिसलन बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ने की, लेकिन मोबाइल जेब में रखकर। देखिए प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो है गौमुखी में से
पानी आता है और भोलेनाथ पे गिरता है। आप पी भी सकते हैं इस पानी को, बहुत ही अच्छा और साफ ये पानी है। देखिए रास्ता तो ख़राब नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है चिकनाई ज़्यादा हो रही है, इस वजह से गिरने खतरा है। तो मैं अब आ गया हूँ और दर्शन वहाँ पर भोलेनाथ के कर लिए हैं। चलिए सूरज भी अब अस्त हो ही चुका है। यहाँ पर रस्सियाँ बनाई गई हैं, इसको पकड़ कर ही ऊपर चढ़ना चाहिए, वरना गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए अब गणेश मंदिर में चलेंगे सीधे दर्शन करने के लिए। लास्ट अब दरवाज़ा आएगा, जिसमें प्रवेश करने के बाद कुछ ही दूरी पर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर आ जाएगा। एक पेड़ टूट के गिरा हुआ है, देखिए आप। यहाँ पर कोई पीपल का पेड़ था जो पूरा ही नीचे गिर गया, देखिए। ये देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा लास्ट दरवाज़ा है। इसके बाद नीचे एक और दरवाज़ा है, मतलब जब नीचे से ऊपर आते हैं तो ये लास्ट दरवाज़ा है। इसके बाद अब दरवाज़ा नहीं आएगा। और पीछे से त्रिनेत्र गणेश की जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। 15 से 16 किलोमीटर की यात्रा, इसी रास्ते पर भालू था, तो एक बार हमें यहाँ भालू मिल चुका है। हालांकि हमने उसको वहाँ से देख लिया था, तो हम इधर नहीं आए थे क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे। तो देखिए पीछे की तरफ से आए हैं रणथंभौर मंदिर त्रिनेत्र गणेश। यह है त्रिनेत्र गणेश धाम। हाँ देखिए प्रसाद मैंने ले लिया, यहाँ से चलते हैं अंदर। यह है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसमें इस वक्त मैं प्रवेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बड़ा ही मनोहरी नज़ारा यहाँ का। इधर एक शंकर भगवान शिवलिंग है और यहाँ पर ये कुछ बजाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है त्रिनेत्र गणेश जो कि रणथंभौर में स्थित हैं। और सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है, शादी ब्याह में यहाँ पर, शादी ब्याह के समय यहाँ पर लगातार जो है उनको नोता देने के लिए एक हमारे आसपास प्रचलन है। और ये पुजारी हैं जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण गोपाल गौतम। गोपाल गौतम, गौतम गौतम। तो यहाँ पर अभी जो मेला आएगा उस समय कितनी भीड़ मतलब हो जाती है? कम से कम 10 लाख पब्लिक आ जाती है। तो जो परिक्रमा है वो मेले के समय खुली रहती है या पूरे रहती? पूरी खुली रहती है। खुली रहेगी पूरे मेले में या चौथ पूरे मेले में? चौथ के दिन ही। चौथ के दिन? चौथ के दिन एकदम, 2 तारीख को। चलिए तो ये बताया उन्होंने मेला आने की तारीख को है? 2 तारीख का, 2 सितंबर का। 2 सितंबर को जो है वो गणेश जी का जो मेला है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये इधर की तरफ यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। दादी कैसा गाँव का जो? और थोड़ा गला बैठ रहा है। सिकंदरा, सिकंदरा दोसा के पास। ये देख सकते हैं आप बदम का तालाब, जिसमें पिछले साल 4 बच्चे एक साथ डूब कर मर गए थे, जिसके बाद ही जालियां लगाई। ये देखिए आप, ये 32 खंभों की छतरी जो कि प्रसिद्ध है रणथंभौर में। बहुत थकान भरा रास्ता, और उससे भी ज़्यादा थकान भरा जब मेरा बैग गुम हो गया था, और लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे के बाद में वो उसी पेड़ पर टका हुआ मिला जहाँ पर वो था। और बंसीलाल जी ने और अरुण जी ने लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर गए होंगे ना, 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो दोबारा से गए और उसको बैग को ख़तरनाक वाली चढ़ाई थी जिस पर वो गए हैं। तो बहुत ही बड़ा उनका एक निर्णय रहा सभी के लिए, और हमारा टूर सफल रहा। भोलेनाथ की कृपा रही, गणेश जी की कृपा रही, माता जी की कृपा रही। और मेरा बैग जो है, जिसमें मोबाइल 18,000 रुपये का प्लस और भी सामान थे, कैमरा वगैरह था, 25-26 हज़ार के सामान उसमें मौजूद थे, सारे वापस मिल गए। तो बहुत खुशी रही और टूर ही बहुत अच्छा रहा उसके बाद में। देखिए एक रास्ता है, आप सुन सकते हैं आवाज़ कितनी गुजरी। तेंद्रराज जी, जगदीश जी, तेंद्रराज जी, दोनों ने देखा जाए कि कितनी तेज उनकी आवाज़ है, यहाँ पर गूंजती भी ज़्यादा है। अभी भी यात्री आ रहे हैं कि जय।
जनरेटर को लेकर आ रहे हैं इस वक्त। ये सामने वो जोगी महल आप देख सकते हैं वहाँ पर, देखिए जनरेटर को जो है वो ऊपर चढ़ाया जा रहा है रणथंभौर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा गया है और रिस्की भी है, कि अगर गलती से भी छोड़ दिया तो इनको चोट लग सकती है पीछे वालों को। घोड़े के निशान जो है यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा कहते हैं कि हमीर का घोड़ा यहाँ से ऊपर चढ़ गया था, हमीर का घोड़ा इस जगह से ऊपर चढ़ गया था, कितने खतरनाक और कितना बहादुर वो घोड़ा रहा होगा उस समय।